दिल्ली के हयात होटल में पिस्तौल दिखाने के मामले में गिरफ्तार आशीष पांडे को कोर्ट ने सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आशीष पांडे ने कोर्ट से जमानत की मांग की है, जबकि पुलिस ने आशीष पांडे की रिमांड बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने जमानत की मांग खारिज करते हुए आशीष पांडे को 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष पांडे की पिस्तौल और कार को जब्त कर लिया। आनंद, अब दो दिन और मिल गए हैं क्योंकि न्यायिक कस्टडी में और इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। जी देखिए प्रीति, फिलहाल जो आशीष पांडे हैं वो तिहाड़ जेल जा चुके हैं और इसमें सबसे खास बात रहेगी, कोर्ट में जज साहब ने आज एक अहम टिप्पणी की है। पूरे केस के आर्गूमेंट के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर किसी शख्स को हथियार मिलता है लाइसेंसी, तो वो उसकी आत्मरक्षा के लिए होता है, ना कि उसे पब्लिक प्लेस में लहराने के लिए। और इस केस में सीधे तौर पर जो FIR है उससे ये लगता है कि जो एक्यूज है उसने अपना एरोगेंट दिखाया है और कहीं ना कहीं वो इतना मैच्योर नहीं था कि वो हथियार को कैसे कैरी करना है। तो सीधे तौर पे इसलिए जो जमानत की याचिका थी उसको रद्द कर दिया। वहीं पुलिस ने जो दो दिन की फर्दर रिमांड मांगी थी ये बोल के कि आरोपी को लखनऊ ले जाना है, जो NBW इश्यू हुआ था उस दौरान आरोपी कहाँ कहाँ छुपा, किस किस लोगों ने उसकी मदद की, उन लोगों को वेरीफाई करना है। और पुलिस ने ये भी दलील दी थी कि जो तीन विदेशी महिलाएं थी उनके और आशीष पांडे के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी जाँच करना, इसको कोर्ट ने सिरे से नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये एक पिस्टल लहराने का मामला था, लड़कियां कहां से आई, उनका किस तरह से रिलेशनशिप थी, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर तौर पर अभी आशीष पांडे की मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो एक्यूज है उसकी उसका जो एरोगेंट है वो साफ नजर आ रहा है। FIR के मुताबिक उसने किस तरह से एक 5 सितारा होटल के अंदर सरेआम पिस्टल लहराई। और इसमें पुलिस ने एक अहम दलील दी थी कि जो गौरव है विक्टिम, उन्होंने अपने जो बयान है उसमें साफ तौर पर कहा था कि आरोपी ने ये बोला था कि गोली मार दूंगा और सीधे तौर पर धमकाया था उस पिस्टल। जी आनंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।